थर्ड चैप्टर में भी हमने करे थे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन, तो वही वाले क्वेश्चन अब करेंगे उस तरह के ही। थर्ड चैप्टर में हमने करे थे वन वेरिएबल, अब हम करेंगे टू वेरिएबल। ठीक है, तो सॉरी पहले हमने टू वेरिएबल किया था, अब करेंगे वन वेरिएबल। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट गिवन है 3rd चैप्टर में, ना तो स्पीड ऑफ बोट गिवन होती थी ना ही स्ट्रीम की, इसमें कोई सी एक गिवन होगी। तो बोट की स्पीड कितनी गिवन है, 15 किलोमीटर पर आवर। लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देखो डिस्टेंस कितनी है, 30। कभी कभी आने और जाने के अलग अलग डिस्टेंस होती है, इस क्वेश्चन में तो सेम ही है, अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम भी। तो डिस्टेंस से पहले तुम ये बात भी लिख लो कि स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 प्लस x, और अपस्ट्रीम में 15 माइनस x। तो टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, ये डिस्टेंस वाले तो बात इसमें आप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, किसी में डिस्टेंस कुछ आ जाती है किसी में कुछ आ जाती है। तो हम इसमें टाइम का फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अब देखो क्या क्वेश्चन है, एक बोट 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 30, अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम मतलब 15 माइनस x, और फिर रिटर्न, रिटर्न का मतलब डिस्टेंस उतनी है 15 प्लस x। तो देखो दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है, इसलिए हमने दोनों केस में सेम लिया है। इन दोनों को मिला के क्या लिखा हुआ है, 4 आवर्स 30 मिनट्स में वो आ जाती है वापसी, यानी 4.5 घंटे। मतलब एक बोट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर जाती है और फिर वापसी आती है, यानी जाना और आना। देखो अपस्ट्रीम जाना डाउनस्ट्रीम आना, दोनों को मिलाकर 4.5 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, करके बताओ जल्दी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर लिखो बेटा सभी। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, सभी आंसर लिखो।
एलसीएम ले लेते हैं, लिखो किसी का आंसर नहीं आया मेरे को अभी तक। ये ऊपर कितना आ गया 30 × 30, नीचे आ गया मतलब ऊपर, चलो अगले स्टेप में लिख दूंगा, नीचे आ गया 225 − x² = 9/2। इसको सॉल्व कर लो बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बन रही क्योंकि आराम से ही सॉल्व हो रहा है। देखो आ गया 900/, ये 9 से कट गया 100, 200 = 225 − x² = 25, x = 5, तो आंसर आ गया 5 किलोमीटर।